नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। एलएसी के मुद्दे पर 6 जून से अब तक 4 बार बात हो चुकी है। इस तमाम कायद का नतीजा वही निकला जैसा चीन चाहता रहा। कमांडर स्तर की बातचीत 10% भी सफल नहीं मानी जा सकती। ऊपर से राजनयिक लेवल की बातचीत भी कोई रंग नहीं दिखा सकी। अब इस मुद्दे पर चीन जहां हठधर्मिता पर उतर आया है, वहीं भारत से दो दो हाथ करने के मूड में दिख रहा है। दो दिन पूर्व चुसूल में हुई वार्ता में चीन ने एलएसी के फिंगर 5 से हटने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही इस मसले पर कोई नरम रुख भी नहीं दिखाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी भी अब चीन को ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कहा जा रहा है कि भारत ने चीन पर सीमित एक्शन की रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि पीएलए पर जो दबाव विकसित होना था वह बातचीत की टेबल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। भारत अपनी कूटनीति के तर्क से हर नुक्ता आजमा चुका है। अब सैन्य विकल्प पर विचार किया जा रहा है, इसका संकेत भी भारत ने चीन को भेज दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एलएसी और एलओसी पर जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर चीन इसी तरह हठधर्मिता दिखाता रहा तो भारत ने सैन्य विकल्प तैयार करके रखा है। खास बात यह है कि इस बार रक्षा मंत्री का यह दौरा चीन को डराने वाला या दबाव बनाने के लिए नहीं होगा, बल्कि चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस दौरे का मकसद इंडियन आर्मी में और अधिक आक्रामकता भरना है। साथ ही यह बात भी साफ की जाएगी कि भारत चीन वार्ता से समाधान की उम्मीदें ना मात्र बची है, इसलिए सेना अपने तरीके से चीन को खदेड़ने के लिए अपनी योजना पर विस्तार से काम करे। मिली जानकारी के मुताबिक इस महीने के दौरान ही चीन पर भारत सीमित एक्शन कर सकता है। भारत उस स्थिति पर भी विचार कर रहा है कि इस तरह की कार्रवाई पर चीन का क्या रेस्पॉन्स होगा, इसलिए इसके लिए पहले से सेना और सरकार ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। हालांकि एलएसी पर किसी बड़े संघर्ष की उम्मीद बहुत कम है, खासतौर से चीन ऐसा शायद नहीं करेगा। किंतु अगर चीन इसे बड़े युद्ध की तरफ ले जाता है तो भारत उसके लिए भी कमर कस चुका है। अब यह खबर आ रही है कि चीन से वार्ता के दौरान भारत सरकार भी भीतर खाने कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारियां कर रही थी। सरकार को चीन की धोखेबाजी का एहसास था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समर्थन जुटाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसी अवधि में सेना ने अपनी उन कमजोरियों को भी दुरुस्त किया है जो उसके युद्ध कौशल में बाधा बन सकती थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पहले मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी, अब सेना ने सरकार को संदेश भेज दिया है कि सेना तैयार है और इसका फैसला खुद सरकार करे। यानी गेंद घूम फिरकर सेना के पाले से मोदी सरकार के पाले में आ गई है, जबकि मोदी की तरफ से रक्षा मंत्री को जवाब के तौर पर एलएसी पर रवाना किया जा रहा है। एलएसी से आई ताजा अपडेट भी बेहद चौंकाने वाली है। स्थिति यह है कि लद्दाख से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। उत्तरी कमांड के कमांडर वाई के जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि भारत चीन के कमांडर स्तर की वार्ता पर एनएसए अजीत डोवल ने विदेश सचिव और गृह सचिव के अलावा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मीटिंग की है। यानी लद्दाख के जिस तनाव को मीडिया खत्म बता रही थी, अब वह तनाव चरम पर पहुंच गया है। जिस प्रकार सरकार में हलचल मची है और बैठकों का दौर चल रहा है, वह किसी जंग की बड़ी आट का संकेत है। रक्षा मंत्री का एलएसी के साथ एलओसी का दौरा दो मोर्चों पर एक साथ रणनीति की तैयारी के लिए अहम कदम माना जा रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बड़ा ऐलान करके चीन में खलबली मचा दी है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि साउथ चाइना सी में जिस देश को चीन दोस्त दिखाएगा, अमेरिका उसकी मदद को आगे आएगा। गौरतलब है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के परमाणु हथियारों से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 6 विमानवाहक जहाज मौजूद हैं, जो चीन से किसी भी जंग के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। विशेषज्ञ इसे भारत के समर्थन से जोड़कर देख रहे हैं। इस वक्त चीन के साथ भारत और ताइवान का तनाव जोरों पर चल रहा है। साउथ चाइना सी से भारत का 60% से ज्यादा व्यापार होता है। उधर भारत द्वारा एलएसी पर तमाम तरह की युद्ध सामग्री भारी मात्रा में डिप्लॉय की जा चुकी है। आर्टिलरी पूरी तरह से मुस्तैद है, जबकि आसमान की निगरानी वायुसेना ने संभाल ली है। पिछले दिनों ही एलएसी से कुछ किलोमीटर पहले सेना ने युद्धाभ्यास भी किया था, ताकि इस क्षेत्र में जंग की धार को और पैना किया जा सके। इस वक्त एलएसी से लगे गलवान पैंगोंग झील और दौलतबाग एंडी तक 45,000 से 50,000 के बीच सैनिक मौजूद हैं। इनमें से 70% से ज्यादा अग्रिम मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने के लिए व्याकुल हैं। 125 से ज्यादा फाइटर जेट, बोफोर्स और होवित्जर तोप से लेकर T-90 भीषम टैंक या आग उगलने के लिए सरकार के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी जल्दी ही एक बड़ी खबर देश को मिलने वाली है।